वॉइस कल्चर का रियाज कैसे करें? शब्दों के माध्यम से स्वरों की फ्रीक्वेंसीज को ठीक करना, ये क्या चीज होती है? इसी को वॉइस कल्चर कहते हैं या फिर कुछ और होता है, और उसका रियाज कैसे किया जा सकता है? पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि वॉइस कल्चर का रियाज किस तरह से किया जा सकता है। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, द सिंगर्स कंपेनियन, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिसके जरिए घर बैठे आप बॉलीवुड, इंडियन क्लासिकल, कर्नाटक, वेस्टर्न, हर प्रकार का संगीत सीख सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी अपना मोबाइल उठाइए और डाउनलोड कीजिए इस बेहतरीन एप्लीकेशन को और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। राम नाम गुण गाओ अरे मन, राम नाम गुण गाओ अरे मन, जीवन सफल बनाओ। राम नाम गुण गाओ अरे मन, गम ग भम भ गम भ धम भ गम भम गम गरे सनि स गम प, राम नाम गुण राम नाम गुण गा। पंडित अवध किशोर पांडे मेरे पिता गुरु, उन्हीं का रचित एक ये ख्याल है, उन्हीं का लिखा है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है। मधुवंती राग में उन्होंने ये बनाई है रचना। आइए जानते हैं उस टॉपिक पर, अब बात करते हैं वॉइस कल्चर किसे कहते हैं और उसका रियाज किस तरह से किया जा सकता है। जहां तक मैं समझता हूं, वॉइस कल्चर मतलब होता है कि कौन से शब्द किस स्वर पे किस तरह से बोले जाएंगे जिनसे कि वो स्वर भी ठीक लगे और वो शब्द भी ना बराबर सुनाई दे, ज़्यादा बेकार ना सुनाई दे, ज़्यादा फटा हुआ ना सुनाई दे, है ना। तो उसके लिए हमें एक रियाज करना होता है। पहले मैं वॉइस कल्चर के ऊपर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आप देखते होंगे, जब क्लासिकल आर्टिस्ट जब आलाप लेते हैं तो वो आकार का तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही साथ में कुछ और नोम तोम के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उससे उनके स्वर पर असर आता है। जैसे जब वो कभी भी ऊंचे वाले स्वरों में जाएंगे तो वो आकार का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जा रहा है तो ये ई का जो प्रयोग किया गया है, ईकार में जो ऊपर वाले स्वरों को लगाया गया है, ये क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप वहाँ आ करेंगे तो हो सकता है चांसेस हैं कि वो स्वर थोड़ा लाउड लगे और उतना मेलेडियस ना लगे, इसीलिए वहाँ पे कुछ दूसरे अक्षरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ईकार है, उकार है, है ना। ते तेना रे तना रे तना तरे ना, है ना। तो हम हल्का सा वहाँ उसको, उससे क्या होता है, वो स्वर की जो लाउडनेस है वो थोड़ी दब जाती है और वो जो मेलोडी है वो बरकरार रहती है। अब ये तो हो गया चलो वॉइस कल्चर के ऊपर। मैं और भी वीडियोस बना चुका हूँ जिनको अगर आप पहले देख लेंगे तो आसानी होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको रियाज बताने जा रहा हूँ बारह खड़ी का। बारह खड़ी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे पिता गुरुजी ने ही कुछ साल पहले इस चीज़ को म्यूज़िक में, है ना, इंक्लूड किया था कि कैसे हम म्यूज़िक में बारह खड़ी का रियाज करेंगे तो ज़्यादा हमारे शब्दों में स्पष्टता आएगी और क्या बोलते हैं स्वरों में भी वो जो एक्यूरेसी है वो आएगी। क्योंकि क्या होता है, हम गीतों में सारे गम पध निसा के अलावा भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर बात है, क्योंकि गीत में शब्द होते हैं और शब्द हैं तो इन अक्षरों का सिर्फ सारे गम पध नी के अलावा जो अक्षर हैं उनका भी इस्तेमाल होता है, उनके भी शब्द बनते हैं, जाहिर है, है ना। तो उनके बने हुए शब्दों का हम गायन करते हैं, लेकिन हमारा जो रियाज है वो सारे गम पध नी या फिर आ का होता है। तो क्या होता है कि जब दूसरे कोई मिक्स्ड अक्षर वाले शब्द बनते हैं तो उन पर वो क्वालिटी हम दे नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि हमने सारे गम पध नि सा को तो कर लिया लेकिन उन शब्दों को कैसे स्वरों में पिरो के गाना है, है ना, वो हमें नहीं आता है। तो इसी के लिए हमें बारह खड़ी का रियाज करना चाहिए। अब बारह खड़ी क्या होती है, जैसे हमारी वर्णमाला है क ख ग घ, है ना, ये जो है च छ झ, ये जो हमारी वर्णमाला है,
इस ही में हमारी जो मात्राएं हैं, जो स्वर हमारे होते हैं अ आ इ ई उ ऊ, है ना, इनको जब हम मात्राएं इन्हीं सारे अक्षरों में लगा देते हैं तो अलग अलग अक्षर बनते हैं। जैसे क है ना, क में क प्लस आ बना दो तो का, क प्लस ई बना दो तो छोटी की, है ना, क प्लस बड़ी ई में ला दो तो की, है ना, फिर कु कु के कै को कौ। हम सब ने बचपन में हमारी हिंदी में ग्रामर में व्याकरण में ये चीज़ सीखी है, लेकिन ये चीज़ हमें संगीत में कैसे उपयोग लेनी है वो सीखने वाली बात है। जब आप रियाज करते हैं, आपका ओमकार का रियाज हो गया, आकार का रियाज हो गया, सा का रियाज हो गया, ये सब जब हो चुका है आपका, उसके बाद का स्टेप है कि आप बारह खड़ी का इस्तेमाल करेंगे। और दो तरीके से इसका रियाज किया जा सकता है, एक तो है कि आप सा पर ही सारे जो हैं वर्णमाला जो है पूरी बारह खड़ी बोल लें, जैसे कि इससे क्या होगा, ये सारे शब्दों की जो स्पष्टता है उसका रियाज हो जाएगा। सबसे पहले तो इन सब को आप एक ही स्वर पे बोल रहे हैं, इससे क्या एक बेनिफिट होगा कि एक बार आपको ज़्यादा स्वरों में भी ध्यान नहीं रखना पड़ रहा है कि अलग अलग स्वरों में अलग अलग अक्षर बोल रहे हैं, एक ही स्वर पे आपको सारे अक्षर बोलने हैं, है ना, और इससे आपका स्पष्टता का रियाज होगा। सबसे पहले तो प्रोनंसिएशन का, उच्चारण का रियाज होगा। उसके बाद ये जब हो जाए, यानी पूरी वर्णमाला पूरी बारह खड़ी जब इस पे बोल ली सा पर ही, क का के की को पूरी वर्णमाला, है ना, क से लेके क्ष त्र ज्ञ तक, है ना, पूरी बोलनी। वो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, एक पीडीएफ है उसका लिंक दे दूंगा जिसमें हमने बारह खड़ी और मॉर्निंग वोकल रियाज की टेक्निक्स लिखी हुई हैं, तो आपको आसानी होगी, और बारह खड़ी भी लिख दूंगा तो वहां से आप देख सकते हैं। जब ये पूरी हो जाए उसके बाद हम जाएंगे राग वैरागी भैरव पर। वैरागी भैरव मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूं, उसके बारे में बताता हूं। छह आरोहात्मक और छह अवरोहात्मक स्वरों का राग है और बारह खड़ी में हमारे बारह अक्षर होते हैं, है ना, इसीलिए वैरागी भैरव का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। और वैरागी भैरव सवेरे का भी राग है, तो भैरव के बाद अगर उसमें अगर आप उसको गाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्या क्या स्वर हैं उसके, रे और नी उसमें कोमल लगता है, जैसे कि भैरव में रे ध कोमल लगता है, इसमें रे नी कोमल लगता है, और ग और ध इसमें वर्जित है। तो कैसे स्वर जाते हैं इसके, सा रे मा पा नी पा, सा रे मा पा नी पा, सा रे नी रे सा नी पा मा रे, रे मा पा नी पा मा रे नी सा। ये वैरागी भैरव के स्वर हैं। अब इसमें हमें बारह खड़ी कैसे गानी है, इससे क्या होगा, हर एक सुर पे हमारे हर एक अक्षर का रियाज हो जाएगा, है ना, और एक ये भी तरीका है वॉइस कल्चर की इन अक्षरों को प्रैक्टिस करने का, है ना। ये स्वर थे और इन्हीं स्वरों पे हमने इन सारे म प नी सा वाले जो अक्षर हैं उनको रिप्लेस करके, उन्हें बदल के उनकी जगह हमने अ आ ई ई डाल दिया। इसी तरह से पूरी वर्णमाला आपको पूरी बारह खड़ी बोलनी है, क का के की कु कु के कै को कौ कं कह। ध्यान देने वाली बात क्या है, इनका उच्चारण, अगर उच्चारण इनका आपने साफ नहीं रखा, स्पष्ट नहीं रखा, तो ये रियाज गलत हो जाएगा। और उच्चारण के लिए हमें इनके उच्चारण स्थानों को जानना ज़रूरी है, है ना, कि इनका उच्चारण एक्चुअली हो कहाँ से रहा है, फोनेटिक्स, है ना, जिसको हम कहते हैं। अब जाहिर बात है ये सारे जो हैं वो स्वरों से बनते हुए, पहले इनकी जो मात्राएं हैं वो स्वरों में ली गई हैं, स्वर यानी हमारे सारे गम पध नि सा वाले स्वर नहीं, हमारे स्वर व्यंजन वाले स्वर यानी अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अं अह,
ये सारे जो वॉवल्स हैं, है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना ए आई ई ओ यू, है ना, ये वही वाले वॉवल्स हमारे स्वरों में होते हैं, अ आ ई ई ऊ ए आई, इनमें कोई और दूसरा बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं आ रहा है, यानी मुंह के अंदर का और कोई जगह इस्तेमाल में नहीं आ रही, सारे होंठों से और हवा से, वायु से इनका जो है उच्चारण हो रहा है, अ आ ई ई, सिर्फ मुंह के शेप से इनका जो है उच्चारण बन रहा है। उसके अलावा क ख ग घ अंग, ये सारे जो उच्चारण स्थान हैं ये कहाँ हैं, इनके बारे में डिटेल एक वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उनको देख लीजिएगा। हमें अभी जो बात करनी है वो उच्चारण स्थान तो आप उसमें देख लेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, मुंह का शेप जो है उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, उससे क्या होगा आपका उच्चारण स्पष्ट होगा। जैसे अ बोला है तो अ वो बराबर मुंह खुलना चाहिए, आ ए ई ई में आप देख रहे हैं थोड़ा सा हमने होंठों को स्ट्रेच किया है, ई और ई फर्क है, दो ई हैं, ई ई और ऊ ऊ, दूसरे ऊ में होंठों को थोड़ा और आगे लिया गया है। ये मुंह का जो शेप है अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो साउंड प्रॉपर नहीं आएगा, साउंड प्रॉपर नहीं आएगा स्वर प्रॉपर नहीं लगेगा, क्योंकि शब्दों के ढीलेपन से स्वर भी ढीले पड़ जाते हैं। स्वरों में अगर सटीकपन चाहिए, अगर स्वर एकदम सटीक लगे, जहाँ फ्रीक्वेंसी वहाँ लगे, तो उसके लिए आपको शब्दों में भी वो जो एक कड़क है, कड़क जो पन है वो रखना पड़ेगा, है ना, वो स्टिफनेस रखनी पड़ेगी, और उसके लिए स्पष्टता, प्रोनंसिएशन क्लियर चाहिए। ठीक है, तो क्या कहाँ तक पहुँचे हम, अ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह, इसी को बोलने का एक तरीका, ये भी आप कम मुंह से भी बोल सकते हैं, अ आ ई ई ऊ ऊ ए आए ओ औ अं अह, लेकिन इसमें वो स्पष्टता नहीं आएगी, वो वजन नहीं आएगा, वो दम नहीं आएगा, वो स्ट्रोक्स नहीं आएंगे, है ना, वो सटीक जो पन है वो चाहिए अपने को, तो ऐसे गाना होगा, क का के की कू कू के क को क कं कह, इसीलिए इनका प्रोनंसिएशन जो है वो आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, है ना, स्वर तो इसमें लग जाएंगे सही सही, लेकिन प्रोनंसिएशन अगर ख़राब हो गया तो ये रियाज ही सारा बेकार हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। ग गा गे गी गू गू, अब ख्याल रख रहे होंगे कि मैं बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा को, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को कैसे मैं बता रहा हूँ, और स्ट्रेच से भी, ई है ना, ए आए ओ हो अंग ए है, ए है, है ना, फर्क होता है प्रोनंसिएशन में, ए ऐ ओ ओ अंग अह अ आ ए ई, ये बड़ा छोटा इन्हीं से क्योंकि शब्द बन रहे हैं, ये वो मात्राएं हैं, ये वो साउंड्स हैं, है ना, जिनसे शब्द बन रहे हैं, अगर ये प्रॉपर नहीं होंगे तो हमारा सारा काम जो है ख़राब हो जाएगा। बाराखड़ी के ऊपर भी कुछ डिटेल वीडियोस हैं, वो भी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ऐसे ही देखते रहें हमारे वीडियोस को, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूंगा। आई होप ये रियाज आपके मदद आया होगा, ये आपके काम आएगा अगर आप इसे रेगुलर करेंगे तो, है ना, सवेरे में ब्रह्म मुहूर्त में आपको 4 से 7 के बीच में इसका रियाज करना है, सूर्योदय से पहले, पहले भैरव में, उसके बाद ये वैरागी भैरव का टच जो है। ऐसे ही देखते रहें, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूंगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब जरूर करें।